ज्ञान में अपने पांच पाठ पूर्ण हो चुके थे। छठा पाठ है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि इसके अंदर अपने तीन शब्द पढ़ रहे हैं, भौतिक, रासायनिक और परिवर्तन। सबसे पहले हम विचार करते हैं परिवर्तन का क्या अर्थ है। यह बात अपने सभी जानते हैं कि किसी भी पदार्थ वस्तु के अंदर जब कोई बदलाव होता है तो उसको अपने परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो अपने विज्ञान के अंदर जो परिवर्तन है यानी जो बदलाव है वो दो प्रकार से हो सकते हैं। एक हो सकता है भौतिक और दूसरा हो सकता है रासायनिक। इसको यदि अपने सामान्य अर्थों में समझना चाहें तो यह भी मान सकते हैं कि बाहरी तौर पर जिस बदलाव को अपने देख सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, और जब किसी आंतरिक बदलाव होता है किसी वस्तु के अंदर तो उसे हम कह सकते हैं कि वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो हम दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन या बदलाव देखते हैं जो कि किसी न किसी रूप में या तो भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि हम घरों पर अक्सर ये देखते हैं कि लोहे पर जंग लग जाता है, यानी कि लोहे के ऊपर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। या फिर अपने यह भी देखते हैं कि अपनी माताएं बहने हैं वो अपने घरों पर भोज्य सामग्री जब बनाते हैं तो उसमें भी अपना जो भोज्य सामग्री है उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो किए गए कार्य है वो किसी न किसी रूप में बदलाव के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसे हम परिवर्तन के नाम से जानते हैं। एक अपने सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। कागज का टुकड़ा है हमारे पास और उस कागज के टुकड़े को हमें चार वर्गाकार भागों के अंदर यदि बांट दें, यानी कि चार उसके अपने वर्ग बना दें और वापस उस कागज को जोड़ दें तो यह भी एक क्या है, परिवर्तन है। हालांकि हमने यह देखा कि जो कागज है उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, उसको फाड़ कर हमने चार समतल वर्ग बना दिए हैं, परंतु वो रहेगा कागज ही, यानी कि हमें यहाँ पर कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी तरह से दूसरा हम ये देख सकते हैं कि सोने को पिघलाना, यानी कि सोने का पिघलना। यदि अपने सोने को उच्च ताप के ऊपर गर्म कर पिघला देते हैं तो वो रहेगा सोना ही, लेकिन उसकी केवल क्या है, अवस्था बदली है, यानी वो ठोस से किस में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया। यहाँ पर केवल अवस्था परिवर्तन हुआ है, हमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह से हम यह भी देख सकते हैं कि जो बर्फ है उसको कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो बर्फ से पानी बन जाता है, और उस पानी को यदि गर्म कर दिया जाए तो उससे क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी, यानी वाष्प बन जाएगी, परंतु नया पदार्थ नहीं बना है, केवल अवस्था बदली है, ठोस से द्रव और द्रव से क्या हो गया, गैसीय अवस्था बदल गई, लेकिन उसका जो अणु सूत्र है वो H2O ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर भी अवस्था परिवर्तन हो रहा है लेकिन हमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा। तो इस प्रकार के परिवर्तन जिनके अंदर किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं यानी ठोस से द्रव या द्रव से गैस या गैसीय से वापिस संघनन की क्रिया के द्वारा द्रव या ठोस अवस्था में लेकर आना, तो इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के नाम से जाने जा सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जो कि उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन है उसको हटाकर पदार्थ को उसी रूप में या उसके मूल रूप के अंदर अपने वापिस ला सकते हैं। जैसे कि बर्फ को हम पिघलाएं तो वह पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करें तो गैसीय अवस्था आ जाएगी। यदि गैसीय अवस्था यानी कि जो भाप बन रही है उसके ऊपर अपने उल्टा कोई बर्तन रख देते हैं जिसे अपने संघनन की क्रिया बोलते हैं, जैसा कि भोजन बनाते समय अक्सर देखा जाता है, तो उस संघनन की क्रिया से वह गैस वापिस क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। उस द्रव को वापिस अपने रेफ्रिजरेटर या शीतलन कर दें तो वापिस उससे क्या बन जाएगा, ठोस पदार्थ बन जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिनमें केवल पदार्थ की अवस्थाएं बदलती है, पदार्थ का आंतरिक संगठन गुण
इत्यादि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और उस पदार्थ की मूल अवस्था को हटाकर अपने वापिस उसे उसी रूप में ला सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन अपने भौतिक परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे हमारे दैनिक जीवन में भौतिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। दूसरा जो अपना परिवर्तन है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की यह विशेषता है कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर हमें हमेशा एक नया पदार्थ प्राप्त होगा और अपने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को हटाकर उस पदार्थ की मूल अवस्था के अंदर वापिस नहीं ला सकते। यानी कि यह परिवर्तन अनुपक्रमणीय होता है, अनुपक्रमणीय। यानी कि केवल पदार्थ ए से बी ही बनाएगा, जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ ए से मान लीजिए बी बनाता है और बी से वापस इसको ए के रूप में ला सकते हैं, परंतु रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की जो आंतरिक गुण और संगठन है वो सारे के सारे बदल जाते हैं और साथ में ही पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं ठोस द्रव या गैस उनके अंदर भी परिवर्तन हो जाता है। इस तरह के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। अब अपने देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। हमने अक्सर जंग लगने की प्रक्रिया पढ़ी है। जंग लगना अक्सर बरसात के दिनों में या नमी वाले दिनों के अंदर हम देखते हैं कि लोहे को बाहर खुले में छोड़ दिया जाए तो वायु और नमी की क्रिया से लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। तो लोहे के ऊपर जो जंग लगने की प्रक्रिया है उसमें हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसे कहते हैं जंग। पूर्व में हमारे पास जो पदार्थ था वो था लोहा और इसके ऊपर जब वायु और नमी की क्रिया हो गई तो हमें नया पदार्थ प्राप्त हुआ जंग। तो इस तरह की परिवर्तन को अपने रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इससे पूर्व अध्याय में हमने अम्ल क्षार और लवण वाले में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पढ़ी थी जिसे हमने नाम दिया था उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण में हमने पढ़ा था कि अम्ल क्षार परस्पर क्रिया करकर एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट करते हुए लवण और जल का निर्माण करते हैं और साथ में ही ऊष्मा निकलती है, यानी ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है, जिस प्रक्रम को हमने उदासीनीकरण कहा था। उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें भी हमें नया पदार्थ यानी कि लवण और जल प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं। हम एक अन्य भी प्रक्रिया यह देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है यानी कि CuSO4, इसका जो रंग है वो होता है नीला और नीले धब्बे के नाम से इसको अपने जानते हैं। यदि इसके ऊपर आयरन यानी लोहे की क्रिया करवाई जाए तो क्योंकि जो लोहा है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है इसलिए इससे हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होगा FeSO4 जिसे हम बोलते हैं फेरस सल्फेट और साथ में ही कॉपर धातु मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो FeSO4 है फेरस सल्फेट यह हमें एक नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है जिसका रंग होता है हरा। तो यह भी अपना एक क्या है रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रक्रिया को हम दो बिकर की सहायता से भी समझ सकते हैं। हमारे पास में मान लीजिए एक बिकर में कॉपर सल्फेट है जिसका रंग है नीला और दूसरा अपना जो बिकर है उसके अंदर यदि अपने पहले बिकर के अंदर आयरन डालते हैं तो हमें दूसरे बिकर के अंदर FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्राप्त होगा जिसका रंग अपने को क्या प्राप्त होगा हरा। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि फलों सब्जियों का सड़ना है, भोजन का पकना है, मोमबत्ती का जलना है, अनेक ऐसे उदाहरण अपने आसपास में देखने को मिलते हैं जो किसी न किसी रूप में भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन है। तो अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों को अपने दो भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा होता है अपना रासायनिक परिवर्तन।